में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम सही करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूर जहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। अगर पाकिस्तान की इतनी इस चीज़ों को अगर एक्सेप्टेंस मिलती ऑल ओवर द ग्लोब, तो जो ब्रिक्स का इनका सिनेरियो है जिसमें रशिया, ब्रुनेई, इंडिया और चाइना ये सारे फॉल करते हैं, तो पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों नहीं एलिजिबल हुआ? मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में, वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली वहाँ पर? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों को लिया? एटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जी डी पी इस टाइम जो है ना ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है, तो कैसे कह सकते हैं दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिब जो वैल्यू जो है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का, तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं फास्ट में, अगर 90s में या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे? यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, राइट? ठीक है, हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। क्या कंपैरिजन अब बनता है आज के टाइम में 2023 में? सर मैं नहीं कह सकता कि ऐसा बनता है, क्योंकि हम वर्स्ट रैंकिंग में हैं, तो बाकी दुनिया भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दी है। हम देख रहे हैं बाकी इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप किस तरह से अपने मुल्क में कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं? इन केस अगर हम इसी को इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, ठीक है, पाकिस्तान इतना सा, ठीक है, फिर भी वो वहाँ पे इस वक्त बहुत बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया आपसे आगे है, मेडिकल में इंडिया आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी में इंडिया आपसे आगे है, इवन एजुकेशन में भी इंडिया आपसे बहुत आगे है। सर जब आपने मुझे कहा कि इतना है भारत, तो आपको नहीं लगता कि जो ज़्यादा है उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कम है उसको संभालना आसान काम है? उन्होंने उसको संभाला हुआ, हम थोड़े को नहीं संभाल पा रहे? हम असल में थोड़े को इस वजह से नहीं संभाल पा रहे, हमारे अपने अपने मुफादात बहुत ज़्यादा है ना। मैं अगर कंपनी में किसी में काम करूंगा तो मेरा अपना मुफाद होगा, मेरे ऊपर जो मेरे बॉसेस होंगे उनका अपना मुफाद होगा, लेकिन ओनर का एक अपना। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये बॉस हैं, मतलब नरेंद्र मोदी इज़ अ बॉस। और अगर हम पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो यहाँ के इमरान खान हैं वो इस टाइम नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई ही मतलब ख़तरनाक हैं? बहैसियत अगर वो अपनी कौम के लिए देखा जाए तो उनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं, और जो यहाँ के हुक्मरान हैं वो क्या डिलीवर कर रहे हैं? वो अपनी कौम के लिए तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वो बात तो भी मैंने सारी की, उनके सारे सेक्टर्स के मेरा ख्याल है मैंने अलहदा से आपको सेपरेटली बताया कि वो अपने हर सेक्टर में डिलीवर कर रहे हैं जितना वो कर सकता है, जबकि उसके पास रकबा बहुत ज़्यादा, राइट, लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। अब इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरा है या नहीं है ये एक डिफरेंट डिबेट है, और पॉलिटिक्स पे ना मुझे ज़्यादा, मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट भी नहीं है, नॉलेज। मुझे सर ये बता दें कि आपने कहा 50 साल आगे जो है वो भारत चला गया, आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, और इवन कि आप फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भारत ही को कहा जाता है, जो कि दुनिया की इस टाइम 70% अदवियात जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मतलब भेज रहा है उसको। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक टाइम था जब क्रिकेट का मैच हुआ करता था, हम बहुत उसको वो करते थे, और अक्सर मीडिया पर तो वॉर का समा बना दिया जाता था कि वॉर हो रही है, वो 50 साल आगे निकल गए और हमारे हुक्मरान अभी भी मतलब कोई भी बात हो तो स्टेटमेंट पास करते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि वो इतना आगे निकल गए हमसे। असल में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम, सही करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूर जहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, प्रोग्रेस नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से
फैबुलस। और प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की बात मेरा ख्याल है 282 समथिंग पे है डॉलर अभी। सर 300 पे चला गया, सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे 282 वाला याद है, 300 प्लस डॉलर जा चुका है अभी। आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो आपने कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें, आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता है और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है, ये किस वजह से है? शॉर्ट हो गया ना, चलें ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है, वो किस वजह से कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया? इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, मुझे अब ये नहीं पता वो किस किस में है। सर थोड़ा सा आपसे भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा इस हवाले से, थोड़ा सा मतलब बताना चाह रहे हैं जी, अगर पाकिस्तान की अगर इतनी इस चीज़ों को अगर एक्सेप्टेंस मिलती ऑल ओवर द ग्लोब, तो जो ब्रिक्स का इनका सिनेरियो है जिसमें रशिया, ब्रुनेई, इंडिया और चाइना ये सारे फॉल करते हैं, तो पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों नहीं एलिजिबल हुआ? हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अपने क्या किया, आपने अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितनी इनोवेशन दी हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बाकी जितनी जितनी इन चीज़ों में एक एक चीज़ के अलहदा अलहदा सेक्शंस में उनके डिपार्टमेंट्स में वो अलहदा अलहदा अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इनोवेशन स्टिल हो रही हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मोबिलिटी कंपनी में देख लें, उनकी एक एक्सेसरीज़ के हवाले से भी ऐसा अलग अलग हो रही हैं, मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, अमेरिका इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है, वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में, वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी खोली, वहाँ पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों को लिया? यहाँ पे एलिजिबल थे ये लोग, यहाँ पर इनको ऑफ़र की गई थी, जैसे पहले आपने नाम लिया ख्वाजा आसिफ साहब का, इनको भी पहले ऑफ़र की गई थी यहाँ पे कि जनाब बिल गेट्स ने ऑफ़र की थी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, जो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पर हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो यहाँ क्या क्या हुआ, इन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस की, इसकी एक्सेप्टेंस हुई? तो ये अगर एक्सेप्टेंस हुई होती तो आज यूनिवर्सिटीज़ मिली खुली होती। हमने यहाँ पर अपने यहाँ थिएटर्स और बाकी सारी चीज़ें में बनाने में मसरूफ़ रहे हैं, यहाँ अगर इसकी हिस्ट्री भी उठा के थोड़ी सी देख लें, हम अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बना रहे हैं या इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमने अपने एजुकेशन और अपनी इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया? सही बात, हमने यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। हम आजकल इस साल से अगर हम ये पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट डिकेड से देख लें तो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं? सर पिछली जो साल की रिपोर्ट है 7.5 लाख जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो जा चुका है, और अफसोस की बात यह है कि इस साल 11 से 12 लाख एक्सपेक्टेड है। सर अभी तक 11 से 12 लाख जो है अपनी रिसेंट मंथ की जो मई की क्लोजिंग में थे, मई तक तकरीबन 8.5 लाख जा चुके हैं। अगर आप स्किल्ड लोग मतलब स्किल्ड पर्सन यहाँ से ड्रेन हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान से जाए अपने बाकी अदर कंट्रीज में जाके सर्व करेंगे अपने स्किल्स को, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ पे सर्व कर रहे होते तो वही चीज़ें रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होता, वहाँ पाकिस्तान के लिए। अभी मतलब करेंसी का जिक्र किया कि 300 तक चला गया, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का अगर हम डॉलर के साथ कंपेयर करें, हम अफगानिस्तान का करें, इवन के टका जो बांग्लादेशी टका है, इन कुछ नहीं समझते, एब्सोल्युटली राइट, इन तीनों को भी अगर हम मर्ज कर लें वो फिर भी कम बनते हैं, हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू हो गई है कि उन तीन का मिला के भी हमारा डॉलर जो है वो तीनों का, मैं कंपैरिजन देख रहा था कि बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिब जो वैल्यू जो है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का, तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे, हम उससे भी अभी डिक्लाइन में हैं। अगर इस चीज़ के डिक्लाइन में जा रहे हैं, हमने ये क्या किया कि अपने साथ कि हम अपने लिए यही चीज़ें नहीं बना सके कि जब हम इंडस्ट्री लगा लें, जो बेरोज़गार लोग अपने बाहर के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ पे उनको अच्छा रोज़गार मिले, यहाँ पे इंडस्ट्रीज चलेंगे तो बाकी लोगों के जाना चूल्हे चलेगा, बाकी यहाँ पे जनरल रोज़गार रहेगा। और यहाँ पे ये बताएं दौड़ में कितना पीछे रह गया, मतलब सच्ची सच्ची बताएं कितना आगे निकल गया भारत? भारत अगर मैं बात करें ना, जैसे भाई ने भी बात की है, तो 50 से 60 साल मिनिमम कह सकते हैं इस तरह करते हैं, अगर हम अमेरिकन से यूरोपियंस के कंपैरेटिवली देखें 150-200 साल हम उनसे जो है ना इखलाकी तौर पे भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत पीछे हैं।
हम अपने मुफादात को देखते हैं बनिस्बत इसके कि मजमूई तौर पर हम देखें कि यार हम बहसीत कौम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने नफसा नफसी में पड़े हुए हैं। अगर हम उनकी तरफ देखें वो एक अगर किसी भी इंडियंस के इस तरह वो बात करेंगे ना तो वो देखते हैं कि नहीं हम भारत एक यूनिट के तौर पे हम लेते हैं, या हम बात करते हैं ना कि यार मेरी बात हो रही है या भाई की बात हो रही है किसी भी और शख्स की बात हो रही है, हम कहेंगे यार नहीं मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये इशू सॉल्व होना चाहिए, मुझे नहीं पता उसके साथ मेरा क्या है। वो हम एक यूनिट नहीं होकर देखते, बहसीत हम कौम देखेंगे ना। अगर हम एक अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक कोई चीज़ खा रहा हूँ, मैंने चिप्स खाई है उसका रैपर मैंने यहाँ पर फेंक दिया, या बहसीत कौम मुझे तो यही है कि मैंने इस जगह की सफाई का मैं भी ख्याल रखूं, ठीक है, लेकिन बाकी ये चीज़ देखेंगे यार मुझे क्या मैंने फेंका, बाकी गंद भी तो पड़ा हुआ यार, ये नहीं देखते कि यार बहसीत कौम हमें हर चीज़ों में इस चीज़ को देखनी है। अब ग्राउंड रूट लेवल से हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना तो आगे जाके बाकी चीज़ें बहुत सी पिक्चर होल पिक्चर चेंज होती है। जो एक नेशनलिज्म का एलिमेंट है वो यहाँ की नस्बत उधर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पर वहाँ पर उधर है, यहाँ पर इस तरह नहीं है। क्या हम कभी कौम ही नहीं बन पाए अभी तक 75 साल में एक कौम नहीं बन पाए? नहीं, अब यहाँ पर हम लोगों के जो ना अपना ही कसूर है कि हम अपनी इन चीज़ों पर पड़ रहे हैं कि यार नहीं मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, ये नहीं देख रहे कि यार हम बहैसियत कौम अपने लिए ये करें, हमने पाकिस्तान के लिए ये करें, या हम अपने भाइयों के जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये करें, हम अपने आने वाली नस्ल के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि यार नहीं इस बंदे ने मेरा फ़ायदा किया है, मैंने इसके साथ ये करना है और या मुझे इसलिए चलना है, या इसने मुझे ये फलाने मौके पे मुझे फ़ायदा दिया था मैंने इसको वोट देना है, ये नहीं देखते कि यार वो मेरी आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदा मंद है। अच्छा लास्ट पे मुझे ये बताएं, जिस तरह उन्होंने कहा कि 75 साल में हमने मिली नगमे बनाए हैं और अक्सर वही हमने गाए हैं और चलाए हैं, अगर आगे भी यही सूरत हाल रहती है और जिस तरीके से इंडिया मज़ीद प्रोग्रेस कर रहा है, ये हालात मज़ीद कितना और आगे चलेंगे? जब तक हम खुद से इसको अंदर से खुद नहीं ना एक्सेप्ट करेंगे कि यार कौन चोर है और कौन चोर ईमानदार है, हम खुद से नहीं इन चीज़ों को बेहतर होंगे तो हम किसी को नहीं ब्लेम कर सकते कि यार वो फलाने बंदे ने हमने समरसाजी कर दिया, फलाना बंदा मुल्क लूट के खा गया, फलाने ने ये कर दिया तो फलाने ये कर दिया। आज अगर मैं मेरी बाइक पंचर हो जाती है या बंदे की किसी ने कार पंचर हो जाती है ना, वो अपने लेवल पे पंचर वाला अपने लेवल पे ना करप्शन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उस रूट लेवल पे उसको ठीक होने की ज़रूरत है। यार मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम तो ईमानदारी से करूँ, उसके बाद जो अपर लेवल पे आ जाते हैं उससे ऊपर एक काम जो बंदा काम करने वाला, हर बंदा अपना अपना काम अपनी ईमानदारी से कर लें ना, इन चीज़ों के अंदर करप्शन ना करे, अपने ग्राउंड लेवल पर अपने गिरबान में जा कर देखें कि यार हम अपना काम ही ईमानदारी से कर रहे हैं, ऊपर लेवल तक जो हम में से ही लोग निकल के आगे ऊपर जाते हैं ना, हम ही उनको इलेक्ट करते हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम ही बंदों को इसने सेलेक्ट करते हैं ना कि जनाब ये ठीक है, ये एलिजिबल है, इसको वोट देना चाहिए और ये ऊपर जाके हमारे मामला को ठीक करे, या हमारे दुनिया में पूरी मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। वो उन चीज़ों में अगर करप्शन की हमने एक कहते हैं ना बच्चे की गुट्टी में एक चीज़ होती है, अगर हम इस कौम की गुट्टी में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हमने अपने काम में करप्शन नहीं करनी, ईमानदारी से वही हमने डिलीवर करना है, तो ऊपर जाके भी वही चीज़ें डिलीवर होती नज़र आएंगी, इसलिए फिर एक नेशन 70 साल के अंदर अगर देखें पूरा जो टिन्योर भारत का रहा है, नरेंद्र मोदी के जो 8-9 साल का जो दौर हुकूमत है इसमें जितना भारत ने प्रोग्रेस किया पिछले किसी दौर में भी जो है भारत ने उतनी तेज़ी से उतनी रैपिडली ग्रो नहीं किया। 7.2 अभी मतलब रेशो आई है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो भारत इस टाइम नरेंद्र मोदी ने उसे बनाया, पूरी दुनिया उसको लीडर मान रही है। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप भी नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं? खैर मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान उसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, अगर उसकी अपने मुल्क की बात की जाए तो डेफिनेटली जो बंदा इस पर काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों का स्टैंस ही होता है कि नहीं वो वहाँ का अगर लीडर है तो हम नहीं मानेंगे, हम सच को तस्लीम नहीं करेंगे, जो ग्रो कर रहा है जो आगे बढ़ रहा है हम उसको, क्योंकि वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। उसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि डेफ़िनेटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं बेशक अपने मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका GDP इस टाइम जो है ना ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात, तो कैसे कैसे कह सकते हैं दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। इससे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं फास्ट में, अगर 90s में या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे, यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, राइट, ठीक है, हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। तो अब क्या हो गया हमें, उस वक्त से हमारे यहाँ तो हमारी नस्ल में ये चीज़ की तरबियत की कमी आती रही है।
या इन चीज़ों में हमें आगे नहीं है चीज़ें डिलीवर हुई, आगे आने वाली हमारी और नस्ल में नहीं होंगी, मजीद बिगाड़ का शिकार ही होती नजर आएंगी, वो हम हमारी कहाँ चीज़ खो गई है। हम ये चीज़ें देखते थे पहले कि जनाब कोई भी बाहर जाता था ना, कि यहाँ तक हमारे सेलेब्रिटीज़ यहाँ के हमारे जो दूसरे अपने भाई थे वो जब बाहर जाते थे तो वो क्या दिखाते थे कि नहीं यार वो हमें इस चीज़ से रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम चले जाएं बाहर के मुल्क में वो किसी चीज़ से हकारत के निकाल सकते हैं यार आप सिर्फ चीज़ है ना पाकिस्तान के सिर्फ लेबर से ही आए हो। आपने पासपोर्ट की बात की, वर्स्ट रैंकिंग के अंदर जा, वर्स्ट रैंकिंग में जा रहा है डेफिनेटली। अगर हम इस चीज़ को देखते थे पहले हम कहाँ पर थे और अब हमने किस कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ की पिक्चर वही शो करती है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। क्या कंपैरिजन अब बनता है आज के टाइम में 2023 में? सर मैं नहीं कह सकता कि ऐसा बनता है क्योंकि हम वर्स्ट रैंकिंग में हैं तो बाकी दुनिया भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। हम देख रहे हैं कि बाकी मामला किस तरह जा रहे हैं और इंडिया का चीज़ देना चाहेंगे। हम अपने आप से ही ना, हम ना कहना किसी के नहीं करते, हम अपने आप से ही करप्शन की बजाय ईमानदारी पर काम करते हैं। अपने आप जो काम कर रहे हैं जिस लेवल पर भी कर रहे हैं हम वहाँ पे ही अपना ईमानदारी से करना शुरू कर दें, ऊपर चीज़ें सही होता नजर आएगा। इंडिविजुअल लेवल पे चेंज नहीं आएगा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात है, कोई भी नहीं इसमें प्रोग्रेस करके गई। यहाँ पे आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि जो जिस कौम का जो हाकिम होता ना वो उन्हीं की जो है ना अकासी कर रहा होता। सही बात है, हदीस का मफहूम है कि जनाब तुम लोगों में से ही आया होता ना, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान में होता है कि जनाब उनमें से ही आया हुआ लोग होते हैं। अगर हम अपने आप के साथ ईमानदार रहेंगे ऊपर आके भी जाना हमारे हुक्मरान भी ईमानदारी से वो चीज़ें। लास्ट पे मुझे बता दें मौजूदा करंट टाइम